दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं कुछ ऐसे स्मार्ट फर्नीचर जो कि एक से बढ़कर एक कमाल के होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की अपने इस फर्नीचर के साथ, काउच सेफ। दोस्तों जो काउच होता है उसके अंदर का जो स्पेस होता है वो एक तरीके से हमारे लिए यूजलेस होता है, लेकिन इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इस तरीके के काउच सेट को, जिसमें के अंदर के स्पेस को आप एक बंकर या फिर एक वॉल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि सामने से देखने में तो यह आपको नॉर्मल कोच की तरह लगेगा, लेकिन इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसके नीचे की तरफ आपको एक स्टील बंकर दे रखा है जिसमें कि काफी मोटी स्टील की चादर लगी होती है जो कि पूरी तरह से सेफ रखेगा आपको। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में आप इसके अंदर छुप के बैठ जाते हैं तो काफी बेहतर रहेगा ये आपके लिए। वहीं दोस्तों आप इसका इस्तेमाल एक छोटे से वॉल्ट के तौर पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना जरूरी सामान रखकर लॉक कर सकते हैं। इसमें सेफ्टी फीचर्स भी आपको काफी सारे दे रखे हैं, जिससे कि इसे खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ टेबल का सेट जो आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल भी आप एक सेफ्टी वॉल्ट के तौर पर कर पाएंगे, जो कि घर के अंदर स्पेस का एक बेहतरीन यूज है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सीलिंग हिंज डिस्प्ले फ्यूचर ऑटोमेशन। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा सेटअप दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप अपने टीवी को सीलिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मल टीवी को तो दीवार में लगाया जाता है, लेकिन अगर आपके घर में इतनी जगह नहीं है तो बड़ी सी टीवी को सीलिंग में फिट करवा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा जिसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जब भी आपको टीवी की जरूरत हो तो बस एक बटन दबाइए, इसके बाद आपकी सीलिंग ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसके बाद टीवी एकदम आपके सामने आ जाएगी। टीवी की हाइट को भी आप अपने जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में ही एक कमाल की बात रहेगी। दोस्तों पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड रहता है, जिसे कि आप हिडन फीचर्स के तौर पर अपने रूम में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो काफी बेहतरीन सी टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। सोफा बैंक बेड। अगर आपके घर में जगह थोड़ी सी कम है और आपको सोफा और बेड दोनों की नीड है तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सोफा को। ये एक तरह का ऐसा सोफा होता है जिसका इस्तेमाल आप बेड के तौर पर भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये आपको किंग साइज वाले बेड की फीलिंग तो नहीं देगा, लेकिन इसमें ऊपर नीचे दो अलग अलग बेड्स मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल लगभग एक डबल बेड के तौर पर किया जा सकता है। इसकी खास बात यह रहती है कि ये दूर से देखने में आपको नॉर्मल सोफा लगेगा, लेकिन इसे जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक फ्लोर ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसमें चढ़ने के लिए आपको एक छोटी सी सीढ़ी भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप आसानी से ऊपर वाले सेक्शन में जा सकते हैं। दोनों ही फ्लोर पर सोने के लिए कंफर्टेबल जगह होती है, जो कि आपको काफी मजेदार लगेगी। दोस्तों इस तरह के फर्नीचर का इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है जहां पर जगह थोड़ी कम है और आपको सोफा और बेड दोनों चाहिए, तो ऐसी जगह पर ये चीज काफी मजेदार रहेगी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। गन कंसीलमेंट फर्नीचर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा फर्नीचर दिखाने वाला हूँ जो कि खास तौर पर गन की सेफ्टी रखने के लिए बनाया गया है। देखा जाए तो ये एक तरह की ड्रॉर होती है, जैसे कि आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं। इसके ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में आप काफी सारी चीजें और सामान रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक यहाँ पर ड्रॉर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी सामान रख सकते हैं, लेकिन उसके साइड में एक हिडन स्पेस दे रखा होता है जिसमें कि आप अपनी गन को रख सकते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल डिजाइन के जैसा लगता है, जो कि ड्रॉर की खूबसूरती को भी बढ़ा देगा, लेकिन इसमें इतनी जगह होती है कि आपकी गन इजीली इसमें आ जाएगी। यानी कि गन हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेगी, लेकिन लोगों की नजरों से दूर। ये काफी कमाल का फर्नीचर है जिसका इस्तेमाल घर में किया जा सकता है, जिससे कि किसी की नजर आपके गन पर ना पड़े और सेफली आप उसे अपनी नजरों के सामने रख पाए। तो अगर आपको भी पसंद आया हो तो इस फर्नीचर के लिए एक लाइक तो बनता है। हाइड अलू। दोस्तों आजकल बाथरूम सैनिटरी काफी एडवांस होते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा तो आप इसे देखकर लगा सकते हैं। अगर आपके बाथरूम में कम जगह है और कम्बाइंड लैट्रिन बाथरूम चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम को। दरअसल देखा जाए तो एक तरह की डेस्क होती है जिसके नीचे की तरफ कवर लगी होती है, और जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस इसके डोर को ओपन कीजिए और सीट को बाहर निकालिए, और यूज हो जाने के बाद आप इसे पुश करके अंदर रख सकते हैं, जिसे लोगों को नॉर्मली पता भी नहीं लगेगा कि आपका बाथरूम आखिर है कहाँ पर। इसके ऊपर वाले हिस्से पर आपको वाटर टैप वगैरह भी दे रखे होते हैं, जो कि आपके बाथरूम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। ओवरऑल बहुत ही कम जगह में चीजों को स्टोर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। तो गाइज आपको सभी गैजेट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।